इंग्लिश की। तो इंग्लिश में हम लोग काम लेंगे। सबसे पहले ये काम कक्षा 3, 4 और 5 के लिए है। तो 3, 4, 5 अपना काम सबसे पहले देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से उनको समझाना चाहूँगा कि वो इंग्लिश में सबसे पहले क्या करना है। उनको इंग्लिश की कॉपी पकड़नी है और उसमें सबसे पहले किसी भी वर्क को में से मेरे द्वारा जो दिया जा रहा है उसको 2 टाइम, यानी एक बार अगर हम बड़ी ABCD लिख रहे हैं तो उस बड़ी ABCD को हमने 2 बार लिखना है। छोटी ABCD लिख रहे हैं तो छोटी ABCD को 2 बार लिखना है। और 4 टाइम जो वर्ड दिए जा रहे हैं, जो शब्द दिए जाएंगे, 4-4 हर चीज़ कैटेगरी में, उन 4-4 वर्ड को नेक्स्ट वीक के सैटरडे तक आपको 2-2 टाइम लिखना है और लर्न करना है, अच्छी से ही याद करना है। ठीक है, तो काम शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले क्या करना है आपको अपनी कॉपी में, मैंने आपको बताया था जो कॉपी हमने आपको दी है उसमें आप लोगों ने पन्ने में नंबर डाल दिए होंगे, डेट डाल लीजिए। डेट डालने के बाद आपने आज उसमें शुरू करना है। सबसे पहले हमने लिखना है ए, फिर लिखना है बी, फिर लिखना है सी, फिर लिखना है टी, फिर लिखना है ई, फिर लिखना है एफ। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के हमने फिर लिखना है जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई, ऐसे ही जेड। और एक बार फिर हम इसको पढ़ेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। और मुझे पता है कि सब बच्चे 1 और 2 तक आने तक वो ABCD को लिख लेते हैं और उनको पहचान भी लेते हैं, उनकी मीनिंग, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, हम लोग सब जानते हैं। तो इसको लिखने के पश्चात फिर हम ये 2 टाइम लिख लेंगे, इसके बाद हम फिर छोटी ABCD शुरू करेंगे। नेक्स्ट इसको 2 टाइम लिखने के बाद छोटी ABCD कैसे लिखेंगे, इसी कॉपी पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर
अब इसको भी पढ़ लेंगे। इसमें लिखा है छोटी ए बी सी डी, हम जब लिख रहे हैं तो उसको सबसे पहले तो हम, अगर हम जिस रजिस्टर में मैंने जो दे रखा है उसमें लिख रहे हैं, तो हमने सबसे पहले नीचे वाली लाइनों पे लिखना है। बड़ी ए बी सी डी जो थी नीचे की लाइन और ऊपर की लाइन कवर कवर की, लेकिन जो छोटी ए बी सी डी है, स्मॉल अल्फाबेट हैं ए बी सी डी के, वो सिर्फ नीचे की लाइन कवर करेंगे। जिसमें हम नीचे की लाइन में किस तरीके से लिखेंगे मैंने आपको दिखाया, ऐसे ही लिखना है हमको टू टाइम, दो बार हमने फिर इस काम को अपनी कॉपी में डेट वाइज करना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, धन्यवाद। तो अब हमें कुछ भी इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे पहले उन शब्दों को सीखना, हमारे व्यवहार में जो उपयोग होते हैं उन शब्दों को सीखना और उनको याद करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम व्यवहारिक रूप में इंग्लिश में वो शब्द अपने व्यवहार के अंदर लाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम अपने व्यवहारिक शब्दों में चार चार शब्द, कुछ हम जो मैं जो लिखाऊंगा आपको फोर वर्ड, उन फोर वर्डों को लिखेंगे और उन फोर वर्डों को याद करके, और उनके तरह सिर्फ दो दो शब्द आपने सर्च करने हैं, ढूंढने हैं कि और दो शब्द आप क्या ला सकते हैं इंग्लिश में, जिनको हम इंग्लिश नाम से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, और उनका प्रोनाउंस अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप मुझे अपनी कॉपी में लिख के दिखाएंगे, स्नैपशॉट वहाँ से कॉपी में क्लिक करके आप मुझे मेरे व्हाट्सएप अकाउंट पे या फिर मेरे फेसबुक अकाउंट पे डालेंगे, तो मैं आपको वहाँ से वो चीज़ आगे देखकर, मैं ढूंढ कर आपको बताऊँगा। सबसे पहले आती है हमारी किचन से रिलेटेड सामग्रियाँ या किचन से रिलेटेड वस्तुएँ, जिनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं उनको हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम फोर वर्ड किचन वाले लिख देते हैं। किचन को इंग्लिश में किचन ही लिखिए, के आई टी सी एच ई एन किचन। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मैंने जो शब्द तैयार किया है, जो शब्द सोचा है आप लोगों के लिए, वो शब्द है बाउल, बी ओ डब्ल्यू एल बाउल। ठीक है, दूसरा जो शब्द मैंने सोचा है बाउल माने, आप जानते हैं क्या होता है बाउल माने, होता है कटोरा। ठीक है, दूसरा जो शब्द मैंने सोचा है नाइफ, के एन आई एफ ई नाइफ। नाइफ माने, हर बच्चे को पता भी होगा, किसी बच्चे को नहीं भी पता होगा, नाइफ माने होता है चाकू। ठीक है, ये भी हमारे किचन में आराम से मिलता है हमको, और अब हमको अपने व्यवहार में भी लाना है कि हम अपनी इजा से या मम्मी से पापा से जब भी बोलें कि मम्मी बाउल दे दो, कटोरा ना कहिए बाउल दे दो, नाइफ चाकू ना बोल के उसको हम मम्मी नाइफ दे दो, पापा नाइफ दे दो, इस टाइप से बोलेंगे और कोशिश करेंगे। और फिर थर्ड शब्द हमारा इसमें आता है स्पून। स्पून, तो अब स्पून माने क्या होता होगा कोई बच्चा बताएगा? स्पून माने होता है चम्मच। वेरी गुड, स्पून माने चम्मच। ठीक है, तो और चौथा शब्द मैंने जो इस्तेमाल किया है आपके लिए, जग। जग, जग माने होता है, इसको हम जग भी बोलते हैं हिंदी में, और वैसे हम इसको मग्गा भी बोलते हैं। ठीक है,
अब इस मग्गा, अब इन शब्दों को सबसे पहले तो हमने स्पेल करना है कि बोलना है इनकी स्पेलिंग को ध्यान रख के, BOWL, बाउल, बाउल माने कटोरा। सेकंड जो शब्द है उसको बोलते हैं नाइफ, KNIFE, नाइफ, नाइफ माने चाकू। थर्ड जो शब्द है उसको कह रहे हैं SPOON, स्पून, स्पून माने चम्मच। फोर्थ जो शब्द है उसको कह रहे हैं जग, JUG, जग जग माने मग्गा। अब इन शब्दों को जब हमने लिख लिया है तो इन शब्दों के नीचे हमने एक एक लाइन छोड़नी है, इन शब्दों को हमने स्मॉल लेटर में भी लिखना है। बी ओ डब्ल्यू एल बाउल, ठीक है, ऐसे ही पूरी लाइन में 3 बार लिखना है, बी ओ डब्ल्यू एल, ठीक है, ताकि वो स्पेलिंग हमें बहुत अच्छी से याद हो जाए। फिर ऐसे ही नाइफ शुरू करनी है, नाइफ की लिखनी है KNIFE, नाइफ, KNIFE, नाइफ, KNIFE, नाइफ, ठीक है। फोर्थ शब्द हमारा जो आता है उसको हमने बोला है स्पून, तो उसको भी हमने 3 टाइम लिखना है, SPOON, स्पून, SPOON, स्पून, SPOON, स्पून। फिर फोर्थ जो शब्द है हमारा जग, इसको भी हमने इसी तरह से स्मॉल में लिखना है, जग, JUG, जग, UG, जग, JUG, जग, ठीक है। अब इतना करने के बाद इन शब्दों को हमने अपने आप को लर्न करना है बहुत अच्छी से, और 2 शब्द और किचन से रिलेटेड हमको सर्च करके भेजने हैं, या अपनी कॉपी में लिख कर उनकी मीनिंग ढूंढ कर, जिसको मीनिंग नहीं आ रही है वो मीनिंग मुझसे पूछ लेगा, जिसको स्पेलिंग नहीं आ रही है वो स्पेलिंग मुझसे पूछ लेगा, और वो मुझको व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए आप। फिर हमने जो दूसरा वर्ड, दूसरी चीज़ें जो आप लोगों को बताना, उसमें भी 4 वर्ड ढूंढे हैं, वो चीज़ है स्लीपिंग थिंग, जिसमें हम जो हम सोते समय यूज़ करते हैं अपनी व्यवहारिक ज़िंदगियों में, और उन चीज़ों के नाम हमको इंग्लिश में हमने याद करने हैं, और इंग्लिश में ही याद करके उनको कोशिश करनी है कि हम इंग्लिश में ही बोलें, और बोलते भी हैं, और ऐसा नहीं है कि हम लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन हमने कोशिश भी करनी है कि बोलें, और उनकी स्पेलिंग और उनके मतलब भी हम समझें। जैसे हम सबसे पहले सोते समय हम क्या ढूंढते हैं, क्विल्ट, QUI, ना QUILT, क्विल्ट, क्विल्ट माने हमने बताया, मैं बता रहा हूँ आपको, रजाई जो हम इस्तेमाल करते हैं सोते समय, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ आती है, और क्या इस्तेमाल करते होंगे, फिर हम तीसरी चीज़ आती है टाउल, ठीक है, टाउल भी हम सोने से पहले मुंह हाथ धोते हैं उस समय हम उसको यूज़ करते हैं, या सोने के उठने के पश्चात भी हम मुंह हाथ धोते हैं तब भी हम उसको यूज़ करते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर हमने एक लाइन छोड़ी और फिर हमने लिखा टाउल, TOWEL, टॉवल, टॉवल माने हम क्या होता होगा, टॉवल माने होती है तौलिया, ठीक है। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट वर्ड में, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा अब पिलो, अब पिलो क्या होती है, PILLOW, पिलो, पिलो को हम क्या कहते हैं, तकिया,
तकिया। ठीक है, और लास्ट में एक चीज और मैंने आपके लिए निकाली है, वो होता है ब्लैंकेट। दोनों में अंतर है, ब्लैंकेट और क्विल्ट में। सॉरी, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, फिर लिख देता हूँ ब्लैंकेट। ब्लैंकेट माने क्या ही होती होगी, एक क्विल्ट, क्विल्ट माने रजाई, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट माने होता है कंबल। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें, अब हम इन सब चीजों को हमने पढ़ना है एक एक बार। छोटी वाली जो अल्फाबेट मैंने आपको समझाई है, लिखाई है, उस अल्फाबेट में इसको लिखना है, वैसे ही तीन तीन शब्द करके। जैसे क्विल्ट मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, Q U I L T, क्विल्ट। फिर एक शब्द और लिखा है, Q U I L T, क्विल्ट। फिर एक शब्द और, I T, क्विल्ट। ठीक है, ये तीन तीन शब्द आपने इसके भी लिखने हैं, इसके भी लिखने हैं और इसके भी लिखने हैं। अब इनको पलट देते हैं। पहला हमने शब्द लिखा था क्विल्ट, Q U I L T, क्विल्ट, क्विल्ट माने रजाई। फिर लिखा था टाउल, TOWEL, टाउल, टॉल माने तौलिया। फिर लिखा था पिलो, PILLOW, पिलो, पिलो माने तकिया। फिर आता है ब्लैंकेट, BLANKET, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट माने कंबल। इन सब चीज़ों को हमने याद करना है, एक एक बार छोटी अल्फाबेट में लिखना है, और याद करने के बाद इनसे रिलेटेड, ये स्लीपिंग थिंग, सोने वाली चीज़ें, किचन, इनसे रिलेटेड एक एक शब्द, दो दो शब्द हमने और इसमें ऐड करने हैं। ठीक है, और ढूंढने हैं। तो फिर तीसरी चीज़ मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश में ढूंढी है, जो सभी बच्चों को लगभग आती होंगी, और जिनको नहीं आती हैं वो दोबारा से इसको सीख लें, और जिनको बोलने में परेशानी होती है वो दोबारा मेरे संग बोल लें, सीख लें। पहली, इनको कहते हैं नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम। ठीक है, तो दिनों के नाम मैंने आपको बताया भी था। पहला है संडे, SUNDAY, संडे, संडे माने रविवार। फिर है मंडे, MONDAY, मंडे, मंडे माने सोमवार। ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे, ट्यूसडे माने मंगलवार। वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे माने बुधवार। थर्सडे, TH URSDAY, थर्सडे, थर्सडे माने बृहस्पतिवार। फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे, फ्राइडे माने शुक्रवार। फिर है सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे, सैटरडे माने शनिवार। अब इन दिनों के नाम को लिखने के पश्चात पहले हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, बड़ी ABCD में, इसी को फिर हम छोटी ABCD में नीचे से लिखेंगे, और इसको हम याद करेंगे। ये काम आज का इंग्लिश का आपका कंप्लीट हुआ। आज इंग्लिश में आप हफ्ते भर में ये काम पूरा करेंगे और इसको लर्न करेंगे, और फिर मिलते हैं आपसे अगले शनिवार को। धन्यवाद।